सा ये छा रहा है या प्यार कोई निभा रहा है ये आज पूछना है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शादी करना चाहता हूँ आप यहाँ अपनी बहन से मिलने आते हैं और लगता है आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है तभी आप हर किसी के फेस एक्सप्रेशंस नोट करते रहते हैं हर किसी के नहीं सिर्फ उसके जो खास है मेरे लिए तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं आज शाम को रिश्ते के लिए आपके ख्याल में हर बार वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं मैं समझी नहीं अगर अब भी तुम ना समझी तो मेरे जज्बों की बहुत तौहीन होगी आ गया। वो सब कुछ रेडी है ना घंटे में वो लोग आ जाएंगे इसलिए मैं जल्दी आ गया अच्छा किया आपने सब कुछ तैयार है बस वो सीरत अभी तक कॉलेज से नहीं आई है सीरत अभी तक कॉलेज से नहीं है ये क्या कह रही हो तुम सवा तीन हो रहे हैं एहसन को भेजा है मैंने उसे लेने के लिए आता ही होगा कॉल करके पता तो करो वो क्यों नहीं आई है उसने अपना फोन कहीं मिसप्लेस कर दिया है मैंने ट्राई तो किया था एहसन कब गए बस दोनों आने ही वाले होंगे अच्छा आप परेशान नहीं हो मेरे पास आयजा का नंबर है मैं वो ट्राई करती हूँ मुझे घर जाना है प्लीज ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सिर्फ ये अंगूठी पहनाना चाहता हूँ सीरत ये सब क्या हो रहा है और तुम यहाँ रेस्टोरेंट में सब क्या कर रही हो ये मेरे साथ है मैंने ट्रीट दी है तो ये आई है और इसके घर वालों को पता है हम बता के आए क्यों सीरत मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ आयजा और ये मेरे कजन है आमिर भाई ही समझे आप कौन है तुमने तारुफ नहीं कराया सीरत ये जाजेब है मेरी भाभी के भाई ओ आयशा भाभी के भाई हैं आप हाँ नाइस टू मीट यू मिस्टर जाजेब आप हमारे साथ बैठे ना मैं ट्रीट दे रही हूँ हम खाना ऑर्डर किया अभी बहुत देर हो गई है सीरत अगर तुम्हें चलना है तो मैं घर जा रहा हूँ चलो मेरे साथ अरुण भाई आ चुके हैं हाँ हाँ मैं चलती हूँ आपके साथ नहीं भाई अभी तो हमने खाना मंगवाया है खाना भी नहीं आया आपको ज्वाइन नहीं करना तो फिर सही है लेकिन सीरत तो हमारे साथ ही आई थी और हमारे साथ ही जाएगी भाई प्लीज आपको देर हो गई है और शाम भी हो गई है भाई आ गए होंगे फिर कभी सही सीरत अगर तुम मेरी ट्रीट छोड़ के गई ना तो फिर मुझसे कभी मत बात करना देख लो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ सीरत अगर आना चाहो तो 5 मिनट में आ जाए ऐसा तुम अकेले आए हो सीरत नहीं तुम्हारे साथ भाई कॉलेज तो बंद हो चुका है और सारी लड़की भी जा चुकी है
मुझे लगा कि सीरत घर पहुंच चुकी होगी। क्या कह रहे हो, वो अभी तक नहीं आई है, मेहमान आने वाले हैं। आइए, अब मेहमान आ गए हारून, आ जाए आ जाए। सीरत, जादेब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ, परेशान क्यों हैं आप? वो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप घर में किसी को नहीं बताएंगे मैं यहाँ इन दोनों के साथ। मैं घर में बता ही नहीं सकी। आप यकीनन मेरी बेबसी का मजा ले रहे होंगे। हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ ऐसा करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर में किसी को बताए बगैर ऐसे अपने दोस्तों के साथ नहीं आना चाहिए। वो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ आना है और यहाँ ऐसे इतनी देर हो जाएगी, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। चलिए गाड़ी में बैठो। वो मैंने फोन कर दिया है, बस आती होगी वो। असल में एग्जाम्स करीब है ना, तो कंबाइंड स्टडीज के लिए चली जाती है अपनी दोस्त की तरफ। माशाल्लाह से बहुत जहीन है हमारी सीरत, अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में से है। जब आपको मालूम था कि आपकी बहन इतना बिजी होती है और थोड़ा सा टाइम उसके पास हमारे लिए नहीं है, तो आपने क्यों बुलवाया हमें? नहीं, आपको तो पता है ना कि आजकल के बच्चे जरा गैर जिम्मेदार होते हैं शादी ब्याह के मामलों में। बस आने वाली है। देखिए, हमारा एक ही बेटा है और हमें उसके लिए एक जिम्मेदार बीवी की जरूरत है जिसे हर मौके की नजाकत का एहसास हो। बस वो मुझसे ही गलती हो गई, मैं उसको बताना भूल गई थी। चले कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे जब कभी किस्मत में हुआ तो। चले मैडम, मेरा ख्याल है देर हो रही है, मैं चलना चाहिए। अंकल कुछ देर तो बैठे हैं, आपने कुछ लिया भी नहीं है, कुछ लीजिए ना। बेटा हम यहाँ सिर्फ खाने पीने के लिए तो नहीं आए थे, हम तो कुछ उम्मीदें लेकर आए थे। चलो बेगम चले। देखिए आप प्लीज कुछ देर बैठे, मैं सीरत को खुद लेने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे आप? आपको तो खुद नहीं मालूम कि आपकी बहन कॉलेज ऑफ होने के बाद कहाँ गई और किसके साथ गई। अल्लाह हाफिज, हम चलते हैं। चलें। अंकल हारून भाई, वो सोच भी नहीं सकती थी जासिब कि तुम ऐसी हरकत करोगे। क्या किया है मैंने आपकी? कहां से आ रहे हो, कहां लेके गए थे सीरत को, बताओ मुझे। मैं वो आज जो हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। अपनी कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो सीरत। कहाँ थे तुम दोनों, कुछ एहसास है तुम्हें? और तुम, तुम्हें मैंने कहा था कि आज रिश्ते वाले आ रहे हैं, जल्दी आना कॉलेज से, और तुम मुझे कॉलेज से पिक करके ले गए। हर दिन आप कुछ कहते ही नहीं है, मुझे इनसे कहा था दोनों। ये मेरा वादा है तुमसे, आयजा का वादा। सीरत सिर्फ तुम्हारी होगी आमिर, किसी और की नहीं हो सकती। वो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? वो बात दे यार। तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से? मायूसी से। मैं कभी मायूस नहीं होती, और मायूस हो जाने वाले लोग, जरा जरा सी बात पर हिम्मत हार जाने वाले लोग मुझे जहर लगते हैं। तुमने वो देखा ही नहीं, उसका कजन पता नहीं कौन जो भी है, वो कैसे मजे से उसके साथ चले गए। अरे पलट के मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने यार। देख लेती तो पत्थर की हो जाती ना। आई सर प्लीज यार, मुझसे फजूल की बातें मत करो इस वक्त। कम ऑन यार, मोहब्बत इतनी जल्दी हार नहीं सकती। तुम जानती हो ना मेरी और उसी क्लास को कितना फर्क है। मोहब्बत सब मिटा देती है। सारी किताबी बातें नहीं रहेंगी अगर तुम एक बार डट कर सामना करोगे। और मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे साथ, तुम्हें तो पता है सीरत मेरी बात को कितना वैल्यू करती है। आ, लेकिन फिर भी तुम एक बार सोच लो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है या अपनी मायूसी पर। तुम बताओ मैं क्या करूँ? मेरी कॉल का इंतजार करो बस। अंगूठी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये थर्ड क्लास चीप रोमांटिक फिल्म में देखकर ना तुम लड़के ऐसी हरकतें करना शुरू हो गए। क्या हो गया तुम्हें, क्या बोली जा रही हो? बेवकूफ इंसान, पहली डेट पे कौन लड़की को अंगूठी पहनाता है? तू कब पहनाऊंगा मैं अगर पहली पे नहीं पहनाऊंगा तो? इस अंगूठी पर पहला हक मेरा है, सीरत सिर्फ तुम्हारी होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और इस काम का पहला टोकन है ये, तुम कहो तो रख लूं। इतनी मायूसी से हाँ बोलोगे तो हो गई सीरत तुम्हारी। बस सही है मुझे नहीं रखनी, अगर दिल से दोगे तो रखूंगी, वरना फिर ये पड़ी अंगूठी। अरे अरे रख लो रख लो, तुम रख लो। पक्का? हाँ हाँ भाई। क्यों किया तुमने ये सब? भाई मैं सिर्फ आयशा भाभी की मर्जी से शादी क्यों करूं? सिर्फ इतनी सी बात की वजह से तुमने ये सब किया? आपको ये मामूली बात लगती है? अम्मी के बाद से सब कुछ इस घर में आयशा भाभी की मर्जी और ख्वाहिश से होता है। मैं हमेशा चुप रही, मैंने कभी शिकायत नहीं की इस बात की, मगर मेरी जिंदगी इस घर में पर्दे बदलने, सोफों का डिजाइन तब्दील करना या लाउंज की सेटिंग बदलने के बराबर भी नहीं है। सीरत, सीरत मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? निसार अंकल सिर्फ अब्बू के जानने वाले नहीं थे, उनकी मिसेस भी हमारी फैमिली की जानने वाली है। और जिस तरह आज वो दोनों यहां से गए हैं और जो कुछ उन्होंने देखा है, अगर ये सब बाहर निकल गया तो हमारे माँ बाप की इज्जत पे किस तरह हर्फ आएगा, इसका एहसास है तुम्हें? मुझे लगा आप और आयशा भाभी सिर्फ मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। सब कुछ तो पहले ही तय था, और मेरा आना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। क्या हम ऐसा कर सकते थे? क्या तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी जाती? क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं था? अफसोस हो मुझे सीरत,
बहुत अफसोस। सॉरी भाई, भाई प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज सॉरी। आज तुम्हारी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या कह रही हैं आप अभी? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? नहीं आपी, हरगिज नहीं, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ इसी वजह से इतने दिन मिलने नहीं आता हूं मैं आपसे, पर आज के बाद तुम सीरत से कभी नहीं मिलोगे, ना यहां आकर ना कहीं बाहर जाके। और अगर तुम्हें वो बाहर कहीं नजर आ भी जाती तुम उसे ऐसे नजरअंदाज करोगे जैसे तुमने उसे देखा है। पापी, जो मैं कह रही हूं उसे सुनो, समझो और वही करो। लेकिन आपी, मैंने किया क्या है, कसूर क्या है मेरा? जो बातें मैं तुमसे अभी कर रही वो अगर हारून करेंगे ना तुमसे तो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे, जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आपी क्यों कर रही है ऐसा? मैं उन मुश्किलात से बचाने की कोशिश करें जासिर, जो ये सब करके तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। तुम क्या चाहते हो कि आइंदा जिंदगी में मेरी शक्ल कभी ना देखो, मुझसे कभी ना मिलो? अभी क्या हो गया है आपको, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर जब तक हारून या मैं खुद तुम्हें यहां ना बुलाए तुम यहां कभी दोबारा नहीं आओगे। खुदा हाफिज़। कितने हसी हैं ख्याल तेरे, नींदों में घुल रहे हैं बस ख्वाब तेरे। तेरी निगाहों में ढूंढते हैं, मांगे सवाल मेरे जवाब तेरे। आप भी यही कहोगे, लेकिन आप तो मुझे समझते हो ना एहसन भाई। सीरत,
मैं शाम से तुम्हें कॉलेज के बाहर पागलों की तरह ढूंढ रहा था। बहुत परेशान हो गया था मैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बल्कि मुझे तो लगता है जिस सीरत को मैं जानता था वो कोई और थी, और आज की हरकत करने वाली सीरत कोई और। मैंने सबको बता तो दिया था, फिर क्यों सब मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हो उनको इस तरह से इम्तिहान में नहीं डाला करते सीरत। चाजे मिल गया था मुझे, उसके साथ घर आ गई थी मैं। आयशा भाभी पता नहीं क्यों बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही, पता नहीं इन्हें क्या मसला है मुझसे। मसला तो तुम बनती जा रही हो, खुद अपने लिए भी और हम सब के लिए भी। क्या मैं मसला बनती जा रही हूँ? मैं आप लोगों के लिए मसला बनती जा रही हूँ एहसन भाई? Come on सीरत, क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों इतनी टची हो रही हो तुम? तुम्हारी ये बचकाना हरकत बहुत शॉकिंग थी हम लोगों के लिए। अच्छा, सिर्फ आप लोगों के लिए शॉकिंग है, मेरे लिए कुछ शॉकिंग नहीं था। मुझे एकदम से बताया जाता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखा गया है, बस तुम शाम में आ जाना सब कुछ तय हो गया है। क्या मेरे लिए सब कुछ शॉकिंग नहीं था एहसन भाई? तुमसे किसने कह दिया कि सब कुछ तय था? It was just a formality. अगर ये फॉर्मेलिटी थी तो मुझे क्यों इस तरह से सब आके बातें सुना रहे, जैसे मैं पता नहीं किसी के साथ भाग गई हूँ। सीरत, मुझे यूं एहसन भाई को नाराज नहीं करना चाहिए था, और अगर जाजेब ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो क्या मुसीबत है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? मेरी वजह से आ रहा हूँ? आज ये सब कुछ हुआ ये मेरी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से? मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्ती करो, समझने की कोशिश करो उसके दिल में क्या है। नादान है, ना समझ है, उसे पता नहीं अपने भले बुरे का। अगर तुम उसे समझ नहीं सकी हो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अब इस सिलसिले में तुम उससे कोई बात नहीं करोगी, जो भी मामला होगा मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। हसास है आयशा, फिर आज जो कुछ हुआ है, जिस तरह वो गायब हुई है, खुदा ना खास्ता वो कोई इंतहाई कदम उठा लेती तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मैं भी उसकी दुश्मन नहीं हूं। नहीं हो, मगर तुम्हारा तरीका गलत है। ठीक है, मैं तो हूं ही गलत, तो फिर क्या करूं मैं? और अगर मैं कहूं मुझे अच्छा नहीं लगा तो? सीरत, आप क्यों चाहती है कि मैं अपनी जान दे दूं? अल्लाह ना करे आमिर। तुमने पहली बार अपनी जबान से मेरा नाम लिया, एक बार फिर कहो। अच्छा, वो तुम्हारे कजन ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा तुम्हारे घर वालों से जाकर? आई थिंक उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, मगर यहाँ मामला पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। क्या मतलब? कुछ लोग भाई के जानने वाले मेरा प्रपोजल लेकर आए थे, मगर मैं तो घर में थी नहीं। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो मैं और जाजिब घर में पहुंचे थे। ये क्या कह रही हो सीरत? तुम कसम खुदा की मैं अपनी जान दे दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो सीरत। प्लीज आमिर, आप ऐसी बातें नहीं करें, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। कमरे का दरवाजा किसने बजाया? मैंने बजाया। क्यों, क्या नवाब है यहाँ पे?
हाँ मैं हूँ नवाब, तू क्या करेगा? क्या मैं तुम्हारी खुशी नहीं हूँ? मुझे पालो। क्या ये किसी खुशी से कम है क्या तुम्हारे लिए? आमिर, हेलो, यस बात कर रहा हूं। क्या वो ठीक तो है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? हम अभी आते हैं, कौन से अस्पताल में? ओके ओके, क्या चलो हमें अस्पताल जाना होगा। क्या जाजिब को गोली लगी है? चलो। क्या सीरत, तुम सुहान के कमरे में आके सो जाओ, जाजेब हॉस्पिटल में, उसे गोली लगी है। मैं और आयशा वहीं जा रहे हैं। कैसे? मैं तुम्हें वहां पहुंच के बताता हूँ, किसी से झगड़ा हुआ था। तुम अभी सुहान के कमरे में चली जाओ। चलो जी, चलो आ जाओ। जाजिब का क्या हाल होगा, आयशा भाभी भी इतना रो रही थी, और वो है तो अच्छा। शाम में अगर वो ना आता तो आमिर, ओ फोन तो मैं कमरे में ही भूल आई, वो फोन कर रहा होगा। अब उठकर फोन लेने गई तो सुहान उठ जाएगा, सुबह बात कर लूंगी। अब पहुंच गया जी। वो बीच बचाव में मेरे ख्याल से गोली लग गई थी उसे। मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम दुआ करो उसके लिए। आपको पता है हारून, मैंने यार उसे क्या कहा था? मैंने उसे कहा था कि अल्लाह हमारे घर करुणा है, जब तक मैं हारून को अल्लाह करूं वो हमारे घर कभी ना आए, और देखेंगे सब क्या हो गया। आशा ये क्या किया है तुमने? इस बेचारे को किस बात की सजा सुनाई है? ये चीजें सख्ती से ठीक नहीं होती, पॉइंटलेस हो जाती हैं बातें अगर सख्ती की जाए। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? मेरे रब्बू की बात, वो ही है मेरा सब कुछ। मेरे सीरत के ख्याल से यहाँ पर ऐसा ना सोचे कि वो घर में आता है तो तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा, ये फैसले कर रही हो ना खुद से। फिलहाल जाजिब की फिक्र है, मैं डॉक्टर से पता करके आता हूँ कि सिचुएशन क्या है, और तुम जाओ मुंह धो, बल्कि वजू करो, और उसकी सलामती के लिए दुआ मांगो। ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुमने रात में मुझे उठाकर बताया क्यों नहीं? मैं भी हारून भाई के साथ चला जाता। आप सो रहे थे? पता नहीं बेचारे की क्या हालत हो रही होगी। फोन किया है तुमने? जी मैंने फोन किया था, लेकिन हारून भाई ने मेरा फोन नहीं उठाया। एहसन भाई मैं भी चलूं आपके साथ? सुहान के पास कौन रुकेगा? अच्छा मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं मैं बस चाय पी के निकलूंगा, बल्कि चाय भी वहीं पी लेता हूँ, हारून भाई को जरूरत होगी मेरी। ख्याल रखो। अब सर,
हम जाजिब को घर कब ले जा सकते हैं? अभी हालत थोड़ी स्टेबल्ड है, लेकिन घर ले जाने के लिए सीनियर डॉक्टर्स जो है वो मशवरा देंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आप क्यों उदास हो रही हो, क्यों रो रही हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो ठीक है, उसे नई जिंदगी मिल गई, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अगर जासिब को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। कुछ नहीं हुआ ना, मेरा भाई, उसे मेरी उम्र भी लग जाए। आओ तो बैठो, आओ, सब ठीक है, आ जाओ बैठो, सब ठीक है, सब ठीक है। सीरत घर पे है? जी घर पर ही है, बाहर होती है तो आपके साथ ही होती है। मैं मिलूं? जी जी, रोक तो सकता नहीं मैं आपको। थैंक यू। मैं तुम्हें बोल रही थी ना ऐसे ही होगा, और देखा तुमने, कसम से तुम्हारी भाभी ने ना तुम्हारा खून किसी जोंक की तरह पी रखा है, बल्कि जो बचा कुचा है वो भी पिए जा रही है। कसम से, शक्ल कैसी हो गई है तुम्हारी, कैसी पीली हो रही हो तुम, कोई देखे तो कहे तुम्हें जॉन्डिस हो गया। अरे ये क्या तुम सुबह सुबह बातें लेकर बैठ गई हो? और नहीं तो क्या कहूं, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी शक्ल की हो, मैं होती ना तुम्हारी भाभी तो मैं अपने हाथ का छाला बनाकर रखती, और वैसे भी कसूर सारा ना तुम्हारे भाई का है, जन्मुरीद हैं वो, उन्हें नजर नहीं आता कि उनकी बीवी ने उनकी बहन की जिंदगी कितनी इबरतनाक बनाकर रखी है। खैर अब इतना खौफनाक नक्शा भी मत खींचो, वैसे अगर तुम मेरी भाभी की जगह होते तो हम कितने मजे करते ना। हाँ, आ जाओ चलते, बहुत मजा आता, सारा दिन मजे मजे के खाने बनाते हम, और कपड़े भी खरीदते अच्छे अच्छे। पता है मैं तो तुम्हारी चॉइस से शॉपिंग करती, तुम्हारी चॉइस तो कयामत है कयामत। अब ये आमिर को ही देख लो, बना बनाया रणवीर कपूर है कसम से, लड़कियां तो उसकी दुकान के बाहर ऐसे गिरी पड़ी होती है जैसे शीरे पे मक्खी। और वो है कि पागल, तुम्हारे पीछे ही पागल हुआ जा रहा है। अच्छा सुनो, वो कह रहा था कल अपनी अम्मी को लाएगा रिश्ते के लिए तुम्हारे। अरे पता है जब तुमने फोन करके अभी बताया कि तुम कॉलेज नहीं आ रही हो, मैं तो परेशान हो गई, मुझसे सबर ही नहीं हुआ, मैं भागी चली आई, मैंने कहा सीरत को फौरन ही खुशखबरी सुनाऊं। आहा, दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना। अच्छा सुन, नीचे आया हो, चलो चलते मिलते हैं। ऐसा नहीं, कोई देख लेगा अभी। वही नहीं देखता, बेचारा तुम्हारे लिए कह रहा था सीरत की सूरत देखे बगैर जाऊंगा ही नहीं आज तो मैं। भाभी आप ऐसा करें, हारून भाई के साथ चली जाएं, मैं हूं जादिद के पास। नहीं ऐसा, मैं यहाँ ठीक हूँ। भाभी आप रात भर से जाग रही हैं, घर जाएंगी थोड़ा रेस्ट कर लेंगी। ऐसा ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ चलो, मैं घर ड्रॉप करके थोड़ी देर के लिए ऑफिस से आऊंगा, एक मीटिंग है फिर तुम्हें पिक कर लूंगा दोबारा। नहीं हारून, मगर परेशानी की क्या बात है, जाजे तो ठीक है ना, फिर एहसन भी है यहाँ पे, सुहान को भी देखा होगा, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ। अच्छा, लेकिन अगर भाभी भरोसा रखिए मुझ पर, जाजे का पूरा ख्याल रखूंगा मैं, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, थैंक यू एहसन। चलो
मैं चाय लेके आती हूँ। अरे रुको ना, यहाँ खड़ी हो, मैं दिल की बातें कर रहा हूँ, तुम लोग चाय मैं ले आती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। लगता है मेरा ना अच्छा नहीं लगा था। नहीं वो क्या नहीं, बहुत शानदार घर है। करो ना, पहली बार तुम्हारे घर आया हूं। मैं चाय लेके आती हूँ। क्यों आ गई? मैं लेकर आ रही हूँ चाय, नीचे जाओ। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया है? तुम्हें आमिर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था आयजा। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घर में कोई नहीं है, मगर फिर भी मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती थी सीरा। मैंने सोचा थोड़ी देर साथ में बैठ जाओगे, कोई दिल की बात कर लोगे। मुझे नहीं करनी किसी से भी दिल की बात। और अगर कोई आ गया, एहसन भाई, हारून भाई या भाभी, और जाजेब अस्पताल में, वो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने तुम्हें और आमिर को उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बुलाया है। ठीक है फिर हम चले जाते हैं। आयजा आयजा सुनो तो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? आयजा की तुम फिक्र ना करो, उससे मैं बात करूंगा, वो तुम्हें कॉल करेगी, लेकिन मुझे कम से कम बताओ कि बात क्या है। वो मेरी खाला है ना, वो कल हमारे घर आ रहे हैं अपने बेटे के साथ। तुम इन्हें जानती हो? नहीं वो मैं एक मिनट, मैं अपना तारुफ खुद कराता हूँ। जी मैं आमिर और ये मेरी वालदा है। कौन है आप लोग और यहाँ किस लिए आए? अरे ये सवाल आप अगर सीरत से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा।